हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, कुछ लोगों की इन फ्यूचर जा सकती हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह होती जा रही है। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी दोस्तों, कि जब 2020 में मार्च में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और पूरे साल भर उसने सबकी जॉब्स या काम धंधे बंद करके रखे थे, ऐसे सिचुएशन में भी जो जॉब करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं और जो भी मतलब अदर वर्क वाले हैं, सबकी इनकम स्टॉप हो गई थी, लेकिन यूट्यूबर और ब्लॉगर की इनकम चल रही थी। गूगल एडसेंस से उनको प्रॉपर पैसे आ रहे थे। 4 आने की कटौती गूगल एडसेंस की तरफ से किसी के भी इनकम में नहीं की गई थी, सबको बराबर पैसे मिल रहे थे और पूरे साल भर उन्होंने जैसा पैसा वो कमाते थे वैसा कमाए। उनकी इनकम में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैं तो कहूँ तो पड़ा ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों, मैंने पिछले 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं एक ब्लॉगर की सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या आप लोग एग्री हैं। और उस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग ब्लॉग बना करके कैसे आप लॉकडाउन के सीज़न में भी कुछ नॉर्मल आर्टिकल्स लिख करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, और अगर वायरल हुआ तो फिर आपकी तो चांदी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था और उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ बनाइए, हम सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज ये ब्लॉगर का पहला वीडियो है और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ लास्ट वीडियो रहेगा इसका ब्लॉगर का, क्योंकि दोस्तों ब्लॉगर की जो और भी अदर सीरीज़ होंगी उसके लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। उस वेबसाइट पर आपको सारे टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स मिला करेंगे। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं इस पर उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहूँगा। आज दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में लाइव कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे आप ब्लॉगर में एक अपना प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं और आर्टिकल लिख करके उसमें ऐड लगा के पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको किसी भी तरह का 4 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर को YouTube की तरह कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आप कभी भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ क्राइटेरिया हैं, लेकिन वो उनको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप उनको 10 दिन 15 दिन 20 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो सारे मटेरियल्स क्या है जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ और क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग ज़्यादा आगे बढ़े, जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे टेक्निकल और यूजफुल वीडियोस आपसे कभी मिस ना होने पाए जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर लाए जाते हैं। दोस्तों, ब्लॉगर को लेकर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस पहले जो है यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2020 से ब्लॉगर का इंटरफेस चेंज हो गया है। इंटरफेस के साथ साथ उसका एल्गोरिदम और फीडबैक, मतलब और भी जो भी चीज़ें उसमें थे, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स को मिला करके आप ब्लॉगर में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा एल्गोरिदम चेंज हो गया है, सर्च में आने का तरीका चेंज हो गया है, और यहाँ तक कि जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं तो वहां पर वो किस तरह से एक्सेस करता है, ये सारे तरीके चेंज हो गए हैं। पुराने मेथड को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी भर में कभी वेबसाइट सर्च में नहीं आ सकती। इसके लिए दोस्तों, आपको नया मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फिर सबसे पहले तो लाइव हम ये देखेंगे कि आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर कैसे बनाएंगे, उसमें आप एक थीम कैसे लगाएंगे और आर्टिकल वगैरह कैसे पोस्ट करेंगे, और अगली वीडियो हम लोग सीखेंगे SEO वगैरह कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लॉग है और जिसको मैंने अभी 3 दिन पहले बनाया था 11 तारीख को, और इसमें अब तक मैं 15 आर्टिकल पब्लिश कर चुका हूँ। ये मतलब 15 आर्टिकल मैंने लिखा नहीं है, बल्कि इसमें से कम 10-12 आर्टिकल मैंने अपनी पुरानी वेबसाइट से इम्पोर्ट कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों बाकी के 5-4 आर्टिकल मैंने इसमें खुद से लिखे हैं। और मैं आपको दोस्तों दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आर्टिकल जो है 3 दिन हुए इनको पब्लिश हुए, लेकिन इस पर भी व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, जबकि इतना जल्दी गूगल में साइट सर्च में नहीं आती। कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं इंडेक्स होने में, लेकिन आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि किसी में 72, किसी में 34 ऐसे व्यूज़ आने लगे हैं। दोस्तों, वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए कितने व्यूज़ हैं ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आपका सर्च में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी मायने नहीं रखता, और आपके ट्रैफिक सोर्स यानी कि आपके विजिटर कहाँ से आ रहे हैं ये भी मायने नहीं रखता है। आपका बस ब्लॉग प्रोफेशनल होना चाहिए, जो भी आपने लिखा हो वो आपका खुद का होना चाहिए, इसी के आधार पर आपका मोनेटाइजेशन होता है।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए हम सीखेंगे कि आप पहले आप ब्लॉग बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको ट्यूटोरियल के लिए, मैंने यहाँ पर अपना एक नया विंडो कंप्यूटर में ओपन कर लिया है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो भी आप उसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं दोस्तों। चाहे आप मोबाइल फ़ोन में हो चाहे कंप्यूटर में हो, दोनों जगह ही आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ सर्च बार में टाइप करना है ब्लॉगर। और ब्लॉगर टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर देना है, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी वो जो है ब्लॉगर की है और उसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों ब्लॉगर गूगल का ही प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का होस्टिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसका जो मतलब जो आपकी वेबसाइट है उसको खुद गूगल ही होस्ट करता है। बस आपको एक डोमेन लेने की ज़रूरत होती है, वो भी तब जब आप मोनेटाइज करते हैं, तब पहले कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉगर की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको क्रिएट योर ब्लॉग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे एक आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, लिखा है टाइटल। तो दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी का ब्लॉग बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है, न्यूज है, या शायरी है, या किसी और चीज़ का, उसका आपने कोई नाम सोचा होगा या नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम टाइप करना होगा। जैसे मैं न्यूज़ का बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यूज सपाटा। उसके बाद मैंने यहाँ न्यूज़ सपाटा लिख के नेक्स्ट कर दिया। दोस्तों जो गूगल की तरफ से आपको कस्टम डोमेन प्रोवाइड किया जाता है वो आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आपको उसका बिना स्पेस दिए हुए नाम मतलब डालना रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूज़ सपाटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप का नहीं है। तो जैसे मैं न्यूज़ सपाटा करके 52 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे लिए अवेलेबल है। दोस्तों आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपका डोमेन नेम तो चेंज हो ही जाएगा। तो इसके लिए आप अवेलेबिलिटी के लिए कुछ भी सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर डिस्प्ले में भी हम भी लिखेंगे यहाँ पर न्यूज सपाटा, यही हमारा सर्च में काम आता है। इसके बाद दोस्तों अब ये हमारा ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। दोस्तों आपको ये सारी चीज़ों को चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी हैं जो कि अपडेट हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर लास्ट में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपका पोस्ट का ऑप्शन, स्टेट के ऑप्शन पे ये देख सकते हैं कि आपके विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन से देश से, कौन से राज्य से। यहाँ पर कमेंट्स में आपके यूजर के कमेंट दिखाई देते हैं। अर्निंग में जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा तो यहाँ पर अर्निंग दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर पेज, पेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स करने के लिए और आपके एडसेंस के अप्रूवल के लिए। लेआउट में जाके दोस्तों आप अपने इस ब्लॉग की थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह बना सकते हैं। इसके बाद थीम के ऑप्शन पे जा कर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की जाती हैं, जिसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बताऊंगा समझ नहीं आएगा। सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों आपके ब्लॉग को सर्च में लाने के लिए। यहीं पर आपका मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर गूगल सर्च इंजन में भी यहीं से सबमिट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके आप अपने जो क्रिएट किया आपने ब्लॉग वो किस तरह से दिख रहा है वो देख सकते। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों कि यह कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर एक अच्छी और प्रोफेशनल और जल्दी फास्ट जो है सर्च में आने के लिए थीम लगाएंगे। थीम कहाँ से ढूंढेंगे इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों थीम ढूंढने के लिए आपको एक नया इनको टैब ओपन करना है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे सोरा टेम्पलेट, इसके बाद आप यहां पे सर्च कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो पहला वेबसाइट आएगा या दूसरा हमें सोरा टेम्पलेट्स दिखा रहेगा उसे आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इनकी सोरा टेम्पलेट की जो मतलब वेबसाइट है, यहां पर फ्री में अच्छी क्वालिटी के थीम्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि SEO फ्रेंडली होते हैं, जिनको लगा करके आप एडसेंस में आसानी से अप्रूवल पा सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। इनका दो वर्जन होता है दोस्तों, इनका पेड वर्जन भी आप ले सकते हैं और फ्री वर्जन भी ले सकते हैं। पेड वर्जन में आपको ज़्यादा कस्टमाइज़ करना नहीं पड़ता, पहले से कस्टमाइज मिलता है और इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों अभी के लिए हम इसको फ्री में डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास विनरार नाम का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से विनजिप नाम का फोल्डर मतलब विनजिप नाम का ऐप डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है तो बताइएगा, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से इसको कर लेंगे ओपन। तो दोस्तों यहाँ हम विनरार नाम के एक सॉफ्टवेयर में ओपन होगी
और ओपन होने के बाद, क्योंकि यह डायरेक्ट ओपन नहीं होते, तो ओपन होने के बाद इसमें से जो लिस्ट दी, इसमें से आपको इंट्रो का जो एक्सएमएल होगा, जो डॉट एक्सएमएल फाइल होगा, उसी को आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है, क्योंकि ब्लॉगर में एक्सएमएल फाइल ही चलती है। वर्डप्रेस में तो आप डायरेक्ट जो है किसी में भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बाहर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं आप कि नीट्रो फ्री वर्जन को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। अब दोस्तों फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद हम वापस से अपने ब्लॉगर में आएंगे। ब्लॉगर में आने के बाद थीम के ऑप्शन पे जाएंगे। थीम के ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कस्टमाइज के ऑप्शन है, और उसके बगल में एक लाल कलर का प्ले बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करके सेकंड नंबर रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों वही फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है जिसको आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया था नीट्रो फ्री वर्जन को, और यहाँ पर इसको कर देना है ओपन। अब दोस्तों यहाँ पर ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो ओपन होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी देर अपलोड हो रही है, तब तक के लिए रिस्टोरिंग के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि पिछली थीम को डिलीट करता है और नई थीम को यहाँ पे अपलोड करता है। अब दोस्तों हमारा ब्लॉग किस तरह दिख रहा है ये देखने के लिए हम वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल और प्यारी सी थीम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी यह कोई भी कस्टमाइज नहीं है, इसलिए आपको इस तरह का दिख रहा है। कस्टमाइज होने के बाद आपको मेरी वेबसाइट की तरह बिल्कुल यह दिखने लगेगा, जैसा कि आप अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों इसको मैंने अच्छे से कस्टमाइज कर दिया है। यहाँ पर मैंने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, प्राइवेसी पॉलिसी, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, इसका लोगो, और यहाँ पर मेनू बार, आप जिस कैटेगरी के पोस्ट पढ़ना चाहें वो, सर्च बार, और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में यहाँ पर एक अमेज़न का ऐड भी दिख रहा है। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की हुई फ़ोटो, सोशल मीडिया बार, पॉपुलर पोस्ट जिस पर ज़्यादा विजिटर हैं, यहाँ पर अपने यूट्यूब वीडियो का एक वीडियो, और यहाँ पर अपने फेसबुक सोशल मीडिया का पेज, और नीचे आप देख सकते हैं अगर आप मेरे से किसी तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस कांटेक्ट में अपना नाम, ईमेल और मैसेज लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर लेवल मैंने लगा रखा है, जिस कैटेगरी की आप पोस्ट पढ़ना चाहें वो उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर होम, हमारे बारे में, हमारी टर्म्स कंडीशन क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, आप हमसे किस तरह संपर्क कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर क्या प्रोडक्ट है, क्या आइटम मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। अगर आपको हमारी वेबसाइट पसंद है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डाल के यहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो भी मैं आर्टिकल लिखूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी। यहाँ नीचे भी एक बार फिर हमारे पेजेस का लिंक दिया गया है गूगल एडसेंस की हेल्प मदद के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो हमने वेबसाइट बनाई यह कस्टमाइज नहीं है, इसको हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी कस्टमाइज कैसे करेंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर आप एक में देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसके वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी अगला वीडियो आपके लिए आएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसमें पोस्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर एक ऊपर बटन बना हुआ है न्यू पोस्ट का, इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, चार्ट, इसमें आप अनलिमिटेड शब्दों के आर्टिकल लिख सकते हैं। ब्लॉगर में दोस्तों कम से कम 500 शब्द और अधिकतम 2000 शब्दों के आर्टिकल लिखे जाते हैं, और इतने के बीच अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपका अच्छे से गूगल में रैंक करेगा और उसकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं, इसके ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज अपलोड कर सकते हैं, इसके ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से या यूट्यूब के थ्रू यहाँ वीडियो लिंक कर सकते हैं, कलर वगैरह बदली कर सकते हैं, यहाँ पर टैग वगैरह लगाए जाते हैं। दोस्तों मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से एक SEO फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हैं ब्लॉगर में, ताकि वो अच्छे से रैंक करे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्निंग है, पेजेस कैसे लिखते हैं, लेआउट में अपने थीम को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, सेटिंग में जाकर के अपने इसका वेबसाइट का SEO कैसे करेंगे, मेटा टैग कैसे लिखेंगे, मेटा टैग को उसमें थीम में कैसे सबमिट करेंगे, ये सारी वीडियोस अगले आने वाले समय में आने वाली हैं, क्योंकि एक वीडियो में इन सबको बताना संभव नहीं है। तो दोस्तों चलिए फिर अगले वीडियो का वेट कीजिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नॉलेजफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके आपको ये ज़रूर बताना है कि इसकी अगली सीरीज आपको इस वीडियो में चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैं अगली सीरीज जो है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दूंगा, जिसको ज़रूरत होगी वो वहाँ पर जाके देख लिया करेगा, और अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो ही अगली वीडियोज़ आया करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलूंगा किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि ऐसे टेक्निकल और यूजफुल वीडियोस आपसे कभी मिस ना होने पाए जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर लाए जाते हैं। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।